जय भानुशाली की बातें सुन फूट फूट कर रोई शहनाज। गौतम गुलाटी के बाद अब जय भानुशाली ने ऐसा क्या कह दिया जो शहनाज को नहीं आया पसंद और वो रो पड़ी। दरअसल जय भानुशाली घर के अंदर गए और वहां पारस से, घर के अंदर मतलब पारस और सना के साथ जैसा आपने पिछले हफ्ते देखा था, बैठकर बातचीत कर रहे हैं। वो अंदर जाकर लड़कों से और लड़कियों से बात करके आए थे और आकर शहनाज को और पारस को बता रहे थे कि उन लोगों में प्रॉब्लम कहाँ है। ऐसे में जब जय भानुशाली ने लड़कों से बात की तो सबका यही कहना था कि सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से सना अभी भी शो में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो पा रही। जय भानुशाली ने यही सारी क्लिप्स सना को दिखाई और कहा कि तुम जो है ऐसा ना हो कि तुम अपने एक तरफा प्यार की वजह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी डैमेज कर दो। जी हाँ, यही बात बोली जय भानुशाली ने। और इसके अलावा वो ये बात भी बोलते नजर आए कि वो तो, यानी कि सिद्धार्थ तो डे वन से क्लियर था अपनी थॉट को लेकर कि ये वन साइडेड प्यार है, ये दोस्ती है। और उसके बाद जो है सना रो पड़ी, हालांकि उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की और बोला कि मैं लड़कों को टाइम दूंगी, उनके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करूंगी, उन्हें समय दूंगी और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला की बात को, उनको भूलने की कोशिश करूंगी और अवॉइड करूंगी। क्या है पूरी बात मैं आपको बताती हूँ। जय भानुशाली कहते हैं कि आप सिद्धार्थ की वजह से शो में 100% नहीं दे पा रही हैं। वो डे वन से अपनी थॉट में क्लियर था, ये वन साइडेड लव में आप इतना इन्वॉल्व मत हो जाओ कि कहीं आप सब कुछ भूलकर अपनी प्रोफेशनल लाइफ डैमेज करने लगो। ये बात बोली जय भानुशाली ने। उसके बाद जो है सना बोलती है, मैं टाइम दूंगी, बात करूंगी, कोशिश करूंगी कि इन्वॉल्व हो जाऊं, मैं कोशिश करूंगी लड़कों को टाइम दूं और उनको निराश ना करूं। लेकिन जय बोलते हैं तुम अपना पास सामने लेकर आती रहोगी बार बार तो नहीं कर पाओगी तुम ये सब कुछ। और उसके बाद जो है वो रोने लगी और कहती हैं आप इतना सिद्धार्थ कर रही हैं, ऐसा ना हो कि सिद्धार्थ करने के चक्कर में आप कई ऐसे लड़के खो दो, एक दो जो आपसे प्यार करते हो। फिर वो कहती है मैं अवॉइड करूंगी सिद्धार्थ का नाम लेना। तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट अगर कहूँ तो जय भानुशाली सीधा सीधा उनके मुंह पर बोलते हुए नजर आए कि सिद्धार्थ की वजह से जो है तुम बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं कि प्रोफेशनल लाइफ डैमेज कर रही हो, ऐसा ना हो तुम ऐसे लड़की खो दो जो तुमसे प्यार करते हो। तो ये बार बार जो भी आता है घर के अंदर वो बार बार सना को इस बात का एहसास क्यों दिलाकर जाता है कि ये प्यार एक तरफा है, सना भी मानती है, और तुम इस एक तरफा प्यार की वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है अपना डैमेज कर रही हो। तो कहीं ना पहले गौतम गुलाटी ने ये बात बोली और अब जय भानुशाली ने, जय भानुशाली ने जिस तरह से बोली है, सना एकदम ऊपर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लग गई है। तो आपको क्या लगता है कि बार बार सिद्धार्थ का जिक्र, एक तरफे प्यार का जिक्र, शो की टीआरपी नहीं आ रही है, बात सही है, लेकिन क्या टीआरपी लाने के लिए पूरा प्लान हो सकता है? क्या ये टीआरपी लाने का एक तरीका है या जेन्युइनली ये जो सारी कॉन्वर्सेशन हो रही है नॉन स्क्रिप्टेड है? क्योंकि सना जो है बहुत ज्यादा हर्ट दिख रही है। तो आपको क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन कमेंट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।